गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए और दोनों ही घायल बदमाशों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने दो बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं दोनों ही बदमाश कौशाम्बी थाने के 307 के मामले में फरार चल रहे थे। इनके कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चेकिंग चलाई जा रही थी पूरे जनपद में, उसमें यूपी गेट पे प्रभारी निरीक्षक कौशाम्बी द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जहां उन्होंने दो बाइक सवार जो कि स्प्लेंडर गाड़ी से थे रेड कलर की, उनका भागने लगे और उन्होंने आगे मैसेज प्रसारित किया जहां पे वैशाली चौकिंचा सॉफ्टिक्स मॉल पे चेकिंग कर रहे थे। उनके द्वारा उस बाइक सवार का पीछा किया गया और कौशाम्बी टीम द्वारा घेराबंदी की गई। 2-5 की पुलिया पर अचानक वो पीछे मुड़ के पीछे बैठे हुए बदमाश द्वारा फायरिंग की जाने लगी। उसको पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में समीर मलिक नाम का बदमाश जो पहले से ही 307 में थाना स्थानीय से वांटेड था, उसके पैर में गोली लगी और दूसरे बदमाश भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। घायल बदमाश के पास पिस्टल थी और जो दूसरा बदमाश आसिफ है उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। नियमानुसार दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।